जो लास्ट टॉपिक हुआ था वो हुआ था एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण। इसके बाद चैप्टर नंबर वन, जो हमारा चैप्टर नंबर वन चल रहा था फिजिक्स में, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, उसमें लास्ट टॉपिक तुम्हारा ये चलेगा इस बार। और लास्ट का टॉपिक होगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में कृत कार्य, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य यह हमारा टॉपिक, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मतलब चैप्टर क्या है एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी इसमें एक चैप्टर और ऐड हो जाएगा। हम दरअसल एक प्राइवेट बुक है जिसके हिसाब से हम बोल रहे हैं, चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं, विद्युत कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र में ये लास्ट का टॉपिक है। वरना अभी घोष के प्रमेय वाला चैप्टर अभी और है, घोष के प्रमेय जिसमें विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे तब जाके पूरा चैप्टर एक खत्म होता है। लेकिन अभी तो फिलहाल अभी हम पढ़ लें इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक हमारा, क्योंकि हमारे चैप्टर जो वो टॉपिक बाय टॉपिक खत्म होते रहते हैं। तो इसमें टॉपिक होगा हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में कृत कार्य। दरअसल विद्युत ध्रुव होता क्या है, विद्युत ध्रुव ही है, एक बात दिमाग में तुम्हारा रिवाइंड करवा देता हूँ। ये कोई विद्युत ध्रुव होता है, इसका एक सिरा होता है ए, दूसरा सिरा होता है बी, इस पर माइनस क्यू आवेश होता है, इस पर प्लस क्यू आवेश होता है, इनके बीच की दूरी जो है वो 2L होती है। ये पूरा, अब ये पूरा जो निकाय बन गया है, एक विद्युत ध्रुव क्या हो गया कि ये पूरा निकाय जो विद्युत ध्रुव बन गया, जैसे मार्कर है, मार्कर का एक सिरा ए है, एक सिरा बी है, एक पर माइनस क्यू आवेश है, दूसरे पर प्लस क्यू आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो वो 12 है, तो ये मार्कर भी विद्युत ध्रुव बन जाएगा अगर इस पर विद्युत आवेश आ जाए तो। ऐसे हमारा विद्युत ध्रुव है। अब विद्युत ध्रुव पर अगर हम, पिछली बार हमारे पास एक चित्र था, क्या था कि इस तरीके से हमने विद्युत ध्रुव बनाया था, एक समान चुंबक के इसमें विद्युत क्षेत्र में हमने इसे रख दिया था और इस पर एक बल आघूर्ण कार्य कर रहा था, बल युग्म, और वो एक इधर की ओर और इधर की ओर कार्य कर रहा था, यानी कि यह वाला सिरा जो वो उसका नीचे को खींचने की कोशिश कर रहा है, ये सिरा इधर को, जैसे कोई व्यक्ति हो खड़ा, तो जब कोई खड़ा व्यक्ति होता है तो उसकी टांग इधर को खींची जाए और सर इधर को दबा जाए तो वो सीधा सीधा गिर जाएगा, तो ऐसे ये भी हमेशा गिर जाता है और गिरवाने की कोशिश कौन करता है, ये जो विद्युत क्षेत्र है। अब अगर विद्युत ध्रुव जो है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में, ये है हमारा विद्युत क्षेत्र, कहीं को भी लाइन खींच के दिखा दो, लाइन तुम्हारी थोड़ी सार होनी चाहिए, अच्छी लगती हैं, तो जी यह है तुम्हारा विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र है ई। इस स्थिति में इस विद्युत ध्रुव पर कोई बल कार्य नहीं करता है। कैसे नहीं करता है कि इस समय विद्युत क्षेत्र से विद्युत ध्रुव का कोण जो वो जीरो है, क्योंकि कोण कैसे बनता है, ये कोण होता है। अब अगर ये सीधा सीधा रखा है तो थीटा बिल्कुल हमारा जीरो हो गया है, जब जीरो हो गया है तो इसमें थीटा बराबर जीरो है, यहाँ जो है वो थीटा बराबर जीरो डिग्री है। अब अगर जो बात यह है, सोचो बहुत सारी तीरें इधर से आ रही हैं, बहुत सारी तीर इधर से चल रही हैं ऐसे करके, और अगर जो हम ये मार्कर जो है वो उठाना चाहें तो ये तीरें मार्कर को दबा देंगे, ऐसे आएगी तो इसके सिरे पर पड़ेंगे और ये दब जाएगा, यानी कि इस पर एक बल लग रहा है जो इसे घुमाने से रोक रहा है। हम इसे घुमाना चाहेंगे और ये जो है तीर जो आ रहे हैं इधर से, विद्युत क्षेत्र जो आ रहा है वो इसे दबाना चाहेगा, फिर भी हम नहीं मानेंगे, हम इसे घुमा के छोड़ेंगे। तब जो घुमाने में हमें मेहनत करनी पड़ रही है, हमें जितना भी इस पर बल लगाना पड़ रहा है, हमें जितना कार्य करना पड़ रहा है, वो ही कार्य हमें निकालना है कि हमें इसे घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब वो कार्य देखो हम कैसे निकालेंगे, वो कार्य ऐसे निकालेंगे कि विद्युत ध्रुव जो है वो हमारा ऐसा घुमा दिया हमने, यह हो गया हमारा विद्युत ध्रुव। अब ये विद्युत ध्रुव जब घूम गया तो इस समय ये थीटा कोण पर आ गया। अब यहाँ साइन थीटा बराबर जो है, या हम कहेंगे कोई भी जब कोण है वो थीटा कोण पर आ गया, किससे, विद्युत क्षेत्र से। वही विद्युत ध्रुव है ए, वही विद्युत, ये विद्युत ध्रुव है बी, बीच की दूरी जो है वही है इसकी
टू वेयर। दरअसल यहाँ हमें निकालना है कि इसे यहाँ तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ा होगा। तो हम क्या कहेंगे, हम पहले इस चित्र के बारे में लिखेंगे, ये हमारा पहला चित्र हो जाता है, ये हमारा दूसरा चित्र हो जाता है। हम जब लिखेंगे तो हम कहेंगे कि माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से जीरो डिग्री कोण पर रखा है, तब इस पर कार्य करने वाला बल युग्म जो होगा वो हम बताएंगे। बल युग्म के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टो बराबर पी ई साइन थीटा, लेकिन यहाँ थीटा बराबर तो जीरो है, इसलिए यहाँ टो बराबर जो है वो पी ई और साइन जीरो। साइन जीरो का मान क्या होता है, पी ई और ये साइन जीरो का मान जीरो और टो बराबर आ गया हमारा जीरो। तो हम कहेंगे अतः इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर कोई बल कार्य नहीं करता है, या कोई बल आघूर्ण भी कह सकते हैं हमसे, कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है, यह स्थिति स्थाई साम्यावस्था कहलाती है, इसमें तो कोई बल कार्य करा नहीं। अब जब बल कार्य कब नहीं करा है, जब हमारा विद्युत द्विध्रुव जो है वो बिल्कुल ऐसे रखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, लेकिन जब हमने इसे घुमा दिया तो इस पर बल लगने लगेगा। जब बल लगने लगेगा तो इस स्थिति में क्या करते हैं, हम कहते हैं जब विद्युत द्विध्रुव को घुमाया जाता है तो इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, अब बल आघूर्ण कार्य करने लगा। अब जब बल आघूर्ण कार्य करने लगा तो कितना कर रहा है भाई, ऐसा हमें क्या पता। तो हम कहेंगे वो तब पता चलेगा जब हम थीटा कोण पर, लेकिन थीटा तो हमने धीरे धीरे हमने घुमा के फाइनली यहाँ पहुँचा दिया। स्टार्टिंग में क्या हुआ होगा, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ होगा कि विद्युत द्विध्रुव जो है वो हमारा सूक्ष्म घुमा होगा, पहले डायरेक्ट थीटा नहीं घुमा होगा, पहले डायरेक्ट थोड़ा सा इस कोण पर आया होगा, इस कोण पर मतलब कि तुम ऐसा समझ सकते हो, विद्युत द्विध्रुव पहले थोड़ा सा घूमा, कोई कहे थोड़ा सा कितना घूमा भाई,
ना थोड़ा सा घूमा, डी अल्फा, समझे जी? या डी अल्फा नहीं बोल के हम कहते हैं कि अल्फा कोण पर घूम गया, अल्फा कोण पर। तब हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे यदि किसी क्षण, किसी क्षण ये तो फाइनल कोण है, हम कह रहे हैं किसी क्षण, जब थोड़ा सा हमने इसे उठाया होगा, थोड़ा सा उठाया होगा तब की बात बता रहे हैं हम। हम कहेंगे किसी क्षण जब कोण अल्फा है तब बल आघूर्ण या बल युग्म दोनों एक ही बात होती है, बल आघूर्ण, तब बल आघूर्ण कितना होगा, तो वो बल आघूर्ण जो होगा टो बराबर पी ई साइन थीटा, तो हमारे चूंकी करके फॉर्मूला होता है इसलिए, या ऐसा लिख सकते हैं कि पी ई साइन अल्फा यहाँ लिख देंगे, कोमा लगा के चूंकी हम यहाँ लिख देंगे कि हम बता देंगे कि फॉर्मूला आया कहाँ से, ये हमने कल निकाला था पिछले लेक्चर में, पी ई साइन थीटा से निकाला हमने, ये जनरल फॉर्मूला हमारा पी ई साइन थीटा वहाँ से हमने निकाला। अब ये तो बल युग्म आ गया, हमें निकालना है कार्य, तो हम कहेंगे कि यदि यदि विद्युत द्विध्रुव, यदि विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव का सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, अब कोई कहे कोणीय क्यों लिखा है, क्योंकि जब कोई चीज़ गोल गोल घूमती है किसी वृत्ताकार उसमें, तो हम कोणीय शब्द जोड़ देते हैं, सीधे रेखा में चलती तो खाली विस्थापन होता है, लेकिन जब ये घूम रही है तो विस्थापन जो होगा वो कोणीय विस्थापन कहलाएगा, कोणीय विस्थापन डी अल्फा है, ठीक है ना, डी अल्फा है, तब तब कितना कार्य करना पड़ा होगा, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, लेकिन बल की जगह जो हमारे पास यहाँ बल आघूर्ण है, क्योंकि सब चीज़ गोल गोल चल रही है, और विस्थापन की जगह क्या है, कोणीय, कोणीय विस्थापन है कार्य। अब देखो बल आघूर्ण जो वो तो टो आ गया, कोणीय विस्थापन जो है वो डी अल्फा आ गया, तो कार्य भी ना सूक्ष्म ही हुआ होगा, क्योंकि अभी सूक्ष्म विस्थापन लिया तो सूक्ष्म कार्य हुआ होगा। अब ये तो तब की बात थी जब हमारे पास सूक्ष्म विस्थापन था, अब हम कह रहे हैं कि हम इसे घुमा के जो वो थीटा कोण पर लेगा, थीटा कोण 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी, 120 भी, हम जनरली बात करें कि क्या पता कितने कोण पर घुमा दिया, तो हम कहेंगे फाइनली हमने थीटा कोण पर घुमा दिया, जब थीटा कोण पर घुमा दिया तो अब हम इसका समाकलन कर देंगे कुल कार्य निकालने के लिए, टोटल कार्य कितना करना पड़ेगा जब हम इसे थीटा कोण पर घुमा देंगे, थीटा कुछ भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी, इतना भी, इतना भी, कितना भी, तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ के जब, या ऐसा करके ले देंगे, यदि यदि कुल कोणीय विस्थापन, यदि कुल कोणीय विस्थापन थीटा हो तब कुल कार्य, और कुल कार्य जो होगा ना तो दोनों पक्षों का समाकलन हो जाएगा यहाँ भी, और जीरो से थीटा तक लिमिट लग जाएगी, और यहाँ हो जाएगा टो डी अल्फा। अब अगर जो तुम यहाँ इसका मान लिखना चाहो तो तुम मान भी लगा सकते हो, डी डब्ल्यू बराबर, और टो की जगह तो हम लिख सकते हैं पी ई साइन अल्फा, और ये डी अल्फा। अभी तुम लोग थोड़े नए नए हो तो तुम्हें अभी समाकलन के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन जो लोग ये मैथ वाले हैं ये मैथ में अपने चैप्टर नंबर 7 में ये सब सीख जाएंगे कि समाकलन होता कैसे है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने तुम्हें उसमें बताया था फर्स्ट ईयर में भी, और थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में भी आता है, जिसने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो थोड़ा समझे यहाँ कि अब हो गया। अब समाकलन क्या होता है, ये अवकलन का उल्टा होता है, एक तरीके से ऐसा मानो कि डी से डी कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ तो बचेगा डब्लू। अब ये जिनका समाकलन नहीं हो रहा है उन्हें तो ले लो, हम ये बाहर ले लेंगे साइन अल्फा, और ये डी अल्फा, जीरो, और ये थीटा पी, साइन अल्फा की जगह तो हो जाएगा माइनस का कोज अल्फा, और यहाँ जीरो, और यहाँ थीटा आ जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, समाकलन हो गया, लिमिट खोल देंगे इसे माइनस को तो बाहर लिख लो, ऊपर वाली लिमिट आ जाती है कोस थीटा, और नीचे वाली लिमिट आ जाएगी कोस जीरो,
माइनस के पी कोस थीटा और ये वन हो जाएगा कोस जीरो का मान, ठीक है जी। अब यहाँ आ जाएगा माइनस के पी और माइनस जो वो अंदर को हम इसके गुणा कर देंगे माइनस की, और यहाँ हो जाएगा पी ई और चेंज हो जाएगा वन माइनस कोस थीटा। तो फाइनली हमारे पास किया गया कार्य जो है वो आ चुका है, और यही होता है किसी भी विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में कृत कार्य है, W बराबर पी वन माइनस कोस थीटा। अगर किसी को इसमें से कोई पूछना है या कुछ भी है तो डायरेक्ट फ़ोन कर सकता है या कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, और तुम्हारे पास फ़ोन नंबर है, ईमेल है, मैसेज है, बहुत सारे तरीके हैं, जिस तरीके से भी पूछना चाहें दोबारा पूछ सकते हैं। बार बार वीडियो को रिपीट करके देखो, दोबारा से देखो, कोई चीज़ समझ नहीं आती है डायरेक्ट मुझसे आके पूछो, सब तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो इतना उतार लेंगे। इसका एक और दूसरा तरीका भी होता है करने का, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें विदाउट समाकलन होता है। पहले तुम इसे थोड़ा सा समझो और फिर उसके बाद मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में मेथड बहुत सारे होते हैं, खाली एक ही मेथड नहीं होता है। सिर्फ तुम लोगों को समझने की बात होनी चाहिए, तो अगर तुम्हारी ये समझ में आता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, वरना इसका दूसरा तरीका भी होता है, उस तरीके से भी करेंगे। इतना नोट कर लेंगे पहले तो। सी बी प्लस सी बी यानी कि टू सी बी, दो सी बी हो गए। अब हम सी बी को कैसे लिख सकते हैं, दो तो ऐसे रहने दो, सी बी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल दूरी में से यहाँ से ओ से टोटल दूरी में से यहाँ से लेकर यहाँ तक में से ये वाली दूरी घटा दो तो ये बचेगी। यानी कि अगर जो हमें ये और ये निकालनी है तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी में से ये वाली दूरी घटा देंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम ओ बी में से ओ बी में से ओ सी घटा देंगे, ओ बी जो है वो यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी है एल, ओ सी जो है वो अभी हमें निकालनी है। तो ओ सी को तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये जो है ना ये एल हो गया, ये ओ सी हो गई ये, और बीच का कोण थीटा हो गया, हमें ये ओ सी निकालनी है। कोस निकालने के लिए हमारे पास कर्ण पता है, हमें आधार चाहिए, तो आधार निकालने के लिए हम कोस का एक फॉर्मूला लगा देंगे, कोस का फॉर्मूला। तो हम कहेंगे चूंकि कोस थीटा बराबर जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, तो कोस थीटा बराबर आधार का मान तो आ गया ओ सी और कर्ण आ गया एल, एल इधर ले जाएंगे तो ओ सी बराबर जो वो एल कोस थीटा आ गया। यहाँ हम इसे समीकरण नंबर एक में लगा देंगे विस्थापन। तो जब हम विस्थापन निकालेंगे, विस्थापन तो यहाँ टू तो यहाँ से रहेगा, ओ बी जो है ना वो हमारा एल हो जाता है, क्योंकि ओ बी जो वो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी होती है, और ओ सी जो है वो एल कोस थीटा हो जाता है। एल इसमें से कॉमन ले लेंगे तो टू एल और ये वन माइनस कोस थीटा हमारा विस्थापन आ गया, ये कुल विस्थापन आ गया। तो अब हम क्या निकालेंगे, कुल कार्य और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब क्या हमने सारा विस्थापन जो है वो लीनियर निकाला है, लीनियर मतलब रेखिक, तो आपके कोण का हिसाब नहीं है, सारा विस्थापन रेखा रेखा में, तो बल भी सीधा सीधा रहेगा। कार्य जो आ जाएगा वो डब्लू आ जाएगा, बल जो आ जाएगा वो एफ आ जाएगा, और विस्थापन जो आ जाएगा वो तुम्हारा है टू एल और जी वन माइनस कोस थीटा। अब चूंकि F बराबर जो होता है वो होता है क्यू ई, इसलिए हम यहाँ लगा देंगे W बराबर क्यू ई और ये 2L
और 1 माइनस कोस थीटा। अब ये 2 और ये q और ये l, ये तो एक साथ लिख देंगे, और 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ w बराबर जो आ जाएगा, ये जो इतना मान बन जाता है, इतना मान जो है ये वाला मान बन जाता है PE, ये P और E ये वाला आ जाएगा, और 1 माइनस कोस थीटा, ये किसी भी विद्युत ध्रुव को घुमाने में कृत कार्य होता है, ये दूसरा मेथड है। यानी कि यहाँ तक तुम्हें सभी ऐसे लिखना है, यहाँ तक सब लिखना है, ये भी तुम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक लिखोगे और इतना लिखने के बाद में, या साम्य अवस्था कहलाती है, और यहाँ से लिखने के बाद में, और तुम इसे यहाँ से लिख लोगे, फिर ये वाला नहीं लिखना। तो इस तरीके से तुम्हारे और बहुत सारे मेथड होते हैं ऐसे इसमें, लेकिन करवाता वही है जिसे पता होता है। हमारे पास इससे भी एक तीसरा मेथड और होता है, लेकिन वो भी हो जाएगा। क्या है कि आसान किस तरीके से हो सकता है बच्चे को, सबके सामने सारी चीज़ें वो रख दी जाती हैं कि लो भाई साहब ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले मेथड में तो सारा उतारना है जो तुम्हें पहले दिख गया होगा वीडियो में। अब दूसरे मेथड में क्या है तुम्हें, वो तुम्हें यहाँ तक उतारना है, और यहाँ तक उतारने के बाद में ये आ जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए बताया था जो बायो वाले हैं, या ज़्यादातर उन्हें समाकलन से दिक्कत होती है, तो ये विदाउट समाकलन हो जाता है। और जो समाकलन से करना चाहें वो समाकलन से भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो होता है वो समाकलन आसान होता है, तुम लोगों को भले से अजीब लग रहा हो, लेकिन समाकलन बहुत आसान चीज़ होती है, समाकलन भारी सवाल को आसान कर देता है। इसलिए समाकलन वाला मेथड बेस्ट होता है मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, वरना बाकी तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम्हारा जिस हिसाब से सोच सकते हो वो तुम्हारा हिसाब है। जो चीज़ समझ में आए वो दोबारा पूछ सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो, चैटिंग से, व्हाट्सअप से, फेसबुक से, कैसे भी पूछ सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो फिलहाल समझो इसे सही से, और यहाँ तक तुम्हारा पहला चैप्टर जो है कुलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र वो ख़त्म हो जाता है। और बाकी जिससे जो पीछे की चीज़ें रह गई हैं वो पिछले वीडियो वगैरह देख लें, पिछले दोबारा से आके क्लास लगेगी उसमें आके आ जाए। दोनों तरीके हैं, ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास में भी आ सकते हैं। मतलब तुम्हें हर हाल में समझ में आना चाहिए, सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं, पहले देखो समझो और फिर इसे नोट करो। कोई भी चीज़ समझ में आती है यहीं मौजूद हैं, कहीं नहीं गई हैं, पूरे साल सारी ज़िंदगी भर यहीं हैं। हज़ार बार पूछने तुम आ सकते हो, किसी भी काम में किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक यहाँ साथ हैं तुम्हारे दोनों उतार लेंगे। चित्र किसी की समझ में आए दोबारा से देख लो, थोड़ा जूम करके देख लो, वरना और दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि सारे नोट्स जो हैं लिखा लिखा है, छपा छपा है, तुम्हें पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। वो फाइल में पीडीएफ फाइल में देख लो, ये सारा है, घर जाकर नोट्स भी बना लो, यहाँ लिख सकते हो और नोट्स भी बना सकते हो। इतना ही था आज के लिए पहले चैप्टर में, और उसे उतार लेंगे।